कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सीएम मनमोहन सिंह को संबोधित करते हुए अपने पत्र में कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात थी कि मैं अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहने के दौरान भी आप मेरे लिए ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी सलाह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 3 दशक की संसदीय पारी का समापन हो गया। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। इसमें खड़गे ने कांग्रेस और देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमेशा मध्य वर्ग और आकांक्षी युवाओं के नायक बने रहेंगे। दरअसल मनमोहन सिंह का राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कार्यकाल बुधवार को पूरा हो रहा है। उनके रिटायरमेंट पर खड़गे ने पत्र लिखकर कहा कि 30 साल से अधिक समय तक सेवा करने के बाद एक युग का अंत हो गया। खड़गे ने आभार जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कह सके कि उन्होंने आपसे अधिक समर्पण से देश की सेवा की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सीएम मनमोहन सिंह को संबोधित करते हुए अपने पत्र में कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात थी कि मैं आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहने के दौरान भी आप मेरे लिए ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी सलाह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि आपने दिखाया है कि ऐसी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना संभव है जो बड़े उद्योगों, युवा उद्यमियों, छोटे व्यवसायियों, वेतनभोगी वर्ग और गरीबों के लिए समान रूप से फायदेमंद हो। आपने दिखाया है कि गरीब भी देश के विकास में भाग ले सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की नीतियों की बदौलत उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में शुरू की गई मनरेगा योजना ने संकट के समय में ग्रामीण श्रमिकों को राहत प्रदान की। देश और विशेष रूप से ग्रामीण गरीब आपको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे कि वे इस योजना के माध्यम से जीविकोपार्जन कर सके और आत्मसम्मान के साथ जी सके। उन्होंने कहा कि जब आपने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपके बारे में कहा था कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। मनमोहन सिंह 3 दशक से अधिक वक्त तक सांसद रहे लेकिन एक बार भी वो लोकसभा से नहीं चुने गए। 1999 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव दक्षिणी दिल्ली से लड़ा लेकिन वो भाजपा के प्रोफेसर विजय से 30,000 वोटों से हार गए थे।